बुजुर्गों के साथ समय बिताने और उनका मनोरंजन करने के उद्देश्य से हेल्पिंग हैंड्स यूथ आर्टिस्ट की ओर से म्यूजिकल कंसर्ट का आयोजन किया गया है। माना स्थित वृद्धाश्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में संस्था के लोगों ने बुजुर्गों के साथ गाना बजाना कर उनका मनोरंजन किया, साथ ही नृत्यों के जरिए लोगों का मनोरंजन भी किया। इस दौरान वृद्धाश्रम के लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान लोगों ने इस आयोजन का जमकर आनंद उठाया। संस्था का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक पहुंचकर उनकी मदद कर उनका मनोरंजन करना है। हेल्पिंग हैंड्स यूथ आर्टिस्ट ने आने वाले दिनों में भी ऐसे और भी आयोजन करने की बातें कही। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सब जरूरतमंदों के लिए है, चाहे वो बच्चे हैं, वृद्ध हैं और कोई जो भी जरूरतमंद है। जैसे पहले भी कार्यक्रम हो चुके हैं बच्चों के लिए, अभी इस बार जो है वो वृद्धों के लिए किया जा रहा है कि उनके लिए कुछ मनोरंजन हो, कुछ अलग से एंटरटेनमेंट हो। तो इस तरह से अलग 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 प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं और भी आगे काफ़ी लाइनअप है, बाकी बच्चों के लिए हैं और भी, जैसे कुछ बच्चे बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनके लिए भी कुछ कार्यक्रम रखेंगे। लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए प्लान कर रखा है आगे, ये सब कार्रवाई आगे प्लान कर रखी है हम लोगों ने। इस हेल्पिंग हैंड्स यूथ आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य है कि ज़रूरतमंदों तक हम पहुँचे और उनकी जो भी ज़रूरत है, जैसे एजुकेशन्स पे या फिर आगे फ्यूचर्स में जो भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जैसे नितिन सर ने बोला कि ज़रूरतमंदों तक हमको पहुंचने का हमारा मेन उद्देश्य है और वो हम कर रहे हैं। और आज का ये इवेंट देख के आप लोगों ने एहसास लगा ही लिया है कि कितनी खुशी उनको मिल रही है बुज़ुर्गों की, एंड ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम गॉड को थैंक बोलेंगे कि उन्होंने हमको चुना।